हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ अपने गांव और मेरी पार्टनर है मेरी बहन। तो अभी अभी हमें मिली एक दादी, मतलब बहुत बूढ़ी थी वो, और मैंने प्रणाम कर दिया। तो मेरी बहन मुझे बोल रही है कि सबको प्रणाम करना जरूरी है, पर यार खुद ही सोचो, आप जब वो इंसान पूछेगा आपसे तो आप तो उसको करोगे ना। रास्ता है तो हो ये चुका है कि हम इस रास्ते से बहुत बचपन में जाते थे जब हम छोटे बच्चे थे, और अब हम आ रहे हैं सालों बाद यहाँ इस रास्ते से। और पूरी फटने वाली है। हाँ, ऐसे वर्ड का यूज नहीं करना मेरे ब्लॉग पे। तो इस रास्ते से हम कभी नहीं गए हैं, और ये हमारे गांव जाने का बहुत पुराना रास्ता है। अब तो रोड जा चुकी है तो बहुत कम लोग जाते हैं इस रास्ते से। और ये मोनिका बहुत तेज तेज निकल रही है आगे, रुक जा मेरे भी। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो आज मैं घर जाके देने वाली हूँ दादा दादी को सरप्राइज। मैंने बिल्कुल नहीं बताया उन्हें कि मैं घर आ रही हूँ, और मुझे पता हो बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ जाना है अभी हमें। तो दोस्तों, आपको छोटा सा पहाड़ दिख रहा होगा यहाँ बीच में, हमें इसके ठीक पीछे जाना है। तो दोस्तों, इस रास्ते से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की। यहाँ बचपन से मतलब छोटे छोटे थे हम जब, तो पापा अपनी गोद में बिठा के लेके आते थे ऊपर तक, क्योंकि यहाँ पे हुआ करती थी छोटी सी स्कूल। तो धीरे धीरे करके सारी यादें दिमाग में आ रही हैं। छोटी सी स्कूल नहीं, अभी भी है स्कूल, वहाँ देख रास्ता छोटा है। स्कूल भी छोटी है पर छोटे बच्चों की इसलिए छोटी है। तो रास्ते की देख सकते हैं आप, वही पुरानी कंडीशन है, पहले भी ऐसा था और अभी भी ऐसा ही है। ये पत्थर बहुत चुभने वाले हो रहे हैं। यहाँ से सीधे जाएंगे, नीचे नहीं। दोस्तों, आपको इस मोनिका के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। दरअसल बात यह है कि इसकी स्कूल खुल रही है परसों से, और ये बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ये बोल रही है एक दिन के लिए जाने की हुए गाँव। इसकी भी बात सही है, पर कम दिन की छुट्टी है तो मुझे जल्दी वापस आना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन हो ही आती, दादा दादी को मिलकर आई जाती हूँ। और ये मोनिका ने बहुत ड्रामे करे, फिर दिन में बड़ी मुश्किल से मनाएगी ऐसे गाँव आने के लिए। तो देखो फिर से ही मुझे सुना रही है, लगता है रात भर सुनाती रहेगी, इसको पता नहीं क्यों नहीं आना है इसको गाँव, जबकि काम भी नहीं करती हैं कुछ। दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत खतरनाक रास्ता है। इसी रास्ते से बचपन से हम पोखरी आया करते थे। तो बस हमें जाना है वहाँ नीचे, तो सामने के पहाड़ों पे आग लगी हुई है और मंदिर उसको बुझाने जा रही है। हाँ, मैं उसको बुझाने जा रही हूँ, ऐसे लपेटा पड़ेगा ना, स्पीड से जाएगी ना तो डायरेक्ट नीचे पहुंचेगी फिर। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे पे है एक पीपल का पेड़, जहाँ पे गांव के लोग पूजा करते हैं। हमारे गांव के नहीं, यहाँ पे एक दूसरा गांव है, वहाँ पे के लोग पूजा करते हैं। तो हम जब छोटे थे तो हम यहाँ पे थकान लग जाती थी नीचे गांव से ऊपर आने में, तो हम लोग यहाँ पे बैठ जाते थे। दीदी भगवान, 12 में पास करते, मजा आया। बहुत कम डिस्टेंस है अब हमारे गांव के बीच में, हम शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। देखो हम रोड पे, तो रोड पे पहुंच चुके हैं हम। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे करेंगे थोड़ा मोनिका की फोटो वगैरह खींचेंगे, क्योंकि इसीलिए तो यहाँ गांव आई है। झूठ बोल रही है, एकदम सच बोल रही हूँ। हेलो दोस्तों, तो बहुत भूख लग रही है पैदल चल करके। मिल चुके हैं हमें कुरकुरे, देख सकते हैं आप, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बहुत ज्यादा, ये है चटपटे स्टिक्स जो आपने कभी नहीं खाए है, और आप लोगों के सामने खाएंगे। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मोनिका कैसा हो रहा है? बहुत ही गंदा। वो बोल रही है पहले अच्छा हो रहा है खाने में, फिर उसके बाद जो पैसे जिन पे सीलन नहीं आई रहती वैसे अजीब से हो रहा है। हेलो दोस्तों, तो सामने बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, मैं आपको दिखाते हैं। तो हमें बस इस वाले रास्ते से हम लोग नीचे जाने वाले हैं। तो बहुत धूल वाला रास्ता है, जूते और पैंट की तो बुरी तरीके से लगने वाली है वाट। वैसे भी मैंने लहंगा पहना, क्योंकि जीन्स की तो वाट लग चुकी है, नीचे से पूरी की पूरी व्हाइट कलर की हो चुकी है।
यहाँ पे तू ही अरे मुझे याद आया। तो यहाँ पे बहुत खतरनाक डॉगी रहता है, बहुत भौंकता रहता है। आप धुलोगे मेरी? मैं क्यों धुलूंगी? तो देखो फ्रेंड्स, ऐसे होते हैं हमारे पुराने घर, पत्थर के बने होते हैं। ये देख सकते हैं आप पठाल वाले। तो बहुत प्यारा सा डॉगी दिखा है। ये मोनिका पे मार रहा है पूंछ से। कुछ नहीं हमारे पास। चलो चलो चलो, बाय बाय बाय। हमें पहले लगा था कि इधर पे देवता नाच रहे होंगे, पर कुछ हो रहा है इधर पे, देवता पूजा वगैरह कुछ तो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी है भैरव देवता का। सकते यहाँ पे कुछ पूजा वगैरह चल रही है। मैं बहुत थकान लग चुकी है, पानी प्यास लग चुकी है। पानी तो हम लाए नहीं साथ में, हमें लगा हम जल्दी पहुंच जाएंगे, पर पैदल पैर में दर्द हो रहा है। इसकी वाट लग चुकी है, अब से नहीं आएगी कभी मेरे साथ, इतना तो मुझे पता चल गया। एक बार ये बामनाथ भी आई थी हमारे साथ, तो उस दिन भी इसकी ऐसी वाट लगी थी, और अभी भी देखो आई गई हमारे साथ, फिर भी जैसे तैसे करके आई रही है। मैं मना लेती हूँ ना, मैं एक्सपर्ट हूँ मनाने में। चल चल मना लूंगी, अब मनाने की बात आई तो फिर दोबारा रुक गई। यार ये रास्ता तो बहुत ही खतरनाक हो रहा है। मोनिका सॉरी, सो सॉरी। यार ये तो नाला है, गलत रास्ता नहीं। चल चल, अरे नाला नहीं है पागल, इसीलिए वही रास्ता है शायद से, वहां पे से गदेरा नहीं है ये, पर छोटा सा पानी का निकल रहा होगा इधर पे से। तो थोड़ा आराम आराम से चलेंगे हम यहाँ पे, कहीं हमारे दांत ना टूट जाए। आराम से चल। तो आखिरकार हमारा गांव यही नीचे पे है, यहाँ बीच में है, यहीं पे है, तो यहाँ पे जाना है। तो बस 5-6 मिनट में इसको। मोनिका बहुत एक नंबर की चालाक है। अभी अभी मैंने उसको अपना वाला बैग दे दिया है। ओए अब चला पता, अब चला पता कितना भारी हो रहा था उस टाइम। लौट से गिर जाऊंगी सच में। हाँ तो बस मैं भी ऐसे चल रही थी इतने देर तक, और ये बस ये छोटकू सा बैग लेके आई है यहाँ पे, और सारा सारा का सारा तो मेरे ऊपर है। तो लाइव तो हुई है ना? हाँ चल चल, मैं तुम्हें बोल चल ये चल चल गिरना नहीं बस चल चल आगे चल चालू मैंने चालू तुम हो। दोस्तों तो हम आखिर में पहुंच ही चुके हैं अपने गांव। हमारा घर है नीचे, वहां पे दिख रहा है आपको, ये वाला है हमारा घर, यहाँ पे जाना है। तो ये है नेचुरल धारा हमारे गांव का। इसका भी यहाँ मुंह धुलना हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। दादी बहना दादी बहना बहना नहीं, हमने खुद से पैदल ही जाते, आज जरा मन कर रहा था। अच्छा चलो चलो। दोस्तों अब मैं दादा दादी को सरप्राइज देने वाली हूँ, तो अब देखते हैं दादा दादी कहाँ पे हैं। तो यहाँ कोई नहीं है क्या? कोई है? प्राइस दिया ना हमने आपको। मेरा रिकॉर्ड सुन रहा है सरप्राइज है, देखो हम ब्लॉग बना रहे हैं। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। बहुत सुंदर, कुछ बोलो मोहन बनी के बड़ो ला के बड़ो लोग।
तो दोस्तों हम जा रहे हैं गौशाला अपनी दादी के साथ में। ये मैं हूँ, ये मेरी दादी मेरे पीछे से आ रही है।